दोस्तों बड़ी ही दुख की बात है और हो सकता है कि आपको ये खबर पता भी चल गई हो कि आज हमारे देश ने संगीत की दुनिया की एक चमक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। स्वर की सरस्वती जिनके नाम उपाधि थी वो आज हमारे बीच नहीं रही है। लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ था। मैं आपको बता दूं स्वर कोकिला का पार्थिव शरीर उनके गढ़ लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी शाम को मुंबई जाएंगे। लता मंगेशकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर फैल गई। यहां तक कि दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी आंखें नम हुई। पाकिस्तान के कई बड़े मंत्रियों ने और बड़े बड़े संगीत कलाकारों ने लता जी को श्रद्धांजलि दी। मंत्री फवाद चौधरी और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने भी लता को श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर जी का यह मानना था दोस्तों कि मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और वह है ईश्वर का हाथ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। इतनी ऊंची और इतनी अच्छी इनकी सोच थी। महान गायिका, महान कलाकार, संगीत की दुनिया की वो हस्ती, इनके जैसा ना इस दुनिया में अब तक कोई आया है और शायद ना ही कोई आएगा। इन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ले ली है। और इनके निधन पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने भी इनको श्रद्धांजलि दी। देश की मशहूर गायिका और स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर के निधन के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरा शोक छा गया। उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा। जानकारी के लिए बता दूं पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था और हॉस्पिटल में वो आईसीयू वेंटिलेटर में भर्ती थी। इससे एक दिन पहले ही तो डॉक्टरों ने कहा था कि लता मंगेशकर को स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू शिफ्ट किया गया था, लेकिन अचानक बीते दिन उनकी सेहत बिगड़ने लगी और इसके बाद उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर लाया गया और आखिरकार रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज जो आप भी जरूर जानने के लिए उत्साहित होंगे कि आखिर दोस्तों उन्होंने जिंदगी भर शादी क्यों नहीं की। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं लता मंगेशकर ताउम्र कुंवारी रही, जबकि संगीत की दुनिया की वो बादशाहत से कम नहीं थी। जिसे कहते हैं ना कि महारानी, संगीत की दुनिया की सम्राट, इतने बड़े अचीवमेंट के बाद भी आखिर वो कुंवारी क्यों रही। उनकी जिंदगी में ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने शादी नहीं की। उन्होंने एक शादीशुदा जिंदगी का आनंद नहीं लिया। ताउम्र अपनी सुरीली आवाज से संगीत की दुनिया को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर अब नहीं रही है। उनका निधन 6 फरवरी को 92 वर्ष की उम्र में आज हो गया है। उनके नाम इतनी उपाधियां थी, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गाने किसी के भी दिल को छूने के लिए काफी थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी। बचपन से लेकर 92 साल तक की जिंदगी के सफर में उन्होंने हजारों गाने गाए। पूरी दुनिया को उन्होंने अपने गानों के प्रेम के रश में डूबो कर निचोड़ दिया, लेकिन वो खुद आखिर प्रेम के मामले में जिंदगी में इतनी सुनी क्यों रही। अक्सर यह सवाल लता के चाहने वाले लोगों के दिलों में उठता है, आखिर लता की जिंदगी में प्रेम की दस्तक हुई या नहीं। क्या लता मंगेशकर जी ने किसी से प्यार मोहब्बत इश्क किया था या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जो आज लता के चाहने वाले जानना चाहते हैं। उनके जाने के बाद उन सवालों के जानने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनकी जिंदगी का एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। लता मंगेशकर पूरी जिंदगी अविवाहित रही, लेकिन क्या उनकी जिंदगी में कभी प्यार ने दस्तक नहीं दी या दी। उन्हें कभी किसी से प्यार हुआ या नहीं हुआ, ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूँ। आपको बता दूं ये बात तो सच है कि सुरों की महारानी कही जाने वाली लता मंगेशकर को भी प्रेम हुआ था। वो बात अलग है कि उनका प्यार शादी का मुकाम हासिल नहीं कर पाया। दरअसल डूंगरपुर के महाराजा, दिवंगत क्रिकेटर और BCCI के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह लता मंगेशकर के आगे दिल हार बैठे थे। यहाँ तक कि एक बार लता मंगेशकर भी क्रिकेट देखने स्टेडियम भी गई थी। उन्हें भी महाराजा राज सिंह पसंद आए, लेकिन उनका प्यार शादी तक नहीं पहुँच पाया। कहा जाता है दोस्तों कि कुछ पारिवारिक कारणों के चलते राज सिंह डूंगरपुर और लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। हालांकि सिर्फ उनकी जिंदगी में यही एक शख्सियत ने इनकी शादी के दरवाजे नहीं खटखटाए, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स कुछ ये भी कहती हैं कि बॉलीवुड में कई सारे एक्टर ऐसे थे जो लता दी का पीछा करते थे, उनको पसंद करते थे, उनको दिल से चाहते थे। कई बड़े बड़े एक्टर और स्टार्स भी लता से शादी ब्याह करना चाहते थे। यहाँ तक कि कई लोग उनका पीछा करते करते स्टूडियो तक पहुँच जाते थे, लेकिन ये बातें लता को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई। एक शख्स थे किशोर कुमार, उन्हें ये पता नहीं था, तब तक वो ये कहती रही। हालांकि लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में कहा था कि किशोर कुमार के साथ रिकॉर्डिंग करने से उन्होंने इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वे बहुत हंसाते थे और वे इससे उनकी आवाज गानों में थकी हुई लगती थी, कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। तो ये कुछ उनकी जिंदगी के वाकया रहे जो अब हमारी यादें बन के रह गए हैं, क्योंकि आज हमारे बीच वो नहीं रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो लता ने शादी क्यों नहीं की, क्योंकि उनके असली प्यार से उनकी शादी नहीं हो पाई। और देखिए जरा उनके दिल की सच्चाई और देखिए जरा उनके दिल की महानता कि जिंदगी में सच्चे प्यार को अगर वो नहीं पा पाई तो उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। उन्होंने अपने प्यार का सौदा किसी दूसरे के साथ नहीं किया। वाकई में ऐसी महान हस्तियों को दिल से सैल्यूट।
यार। ऐसी कुछ हस्तियां जो इतिहास रचने आती हैं, जो शताब्दियों में अपने नामकरण और अपने कर्मों की छाप इस कदर पीछे छोड़ जाती हैं कि युगों युगों तक मानवता के प्रेम के लिए किए इनके कार्यों को कभी नहीं भूला जा सकेगा। हम सभी की तरफ से भी लता दी को दिल से श्रद्धांजलि भावपूर्ण श्रुपूरित अर्पित करते हैं। आपको बता दें, लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार आज ही होगा। इनके निधन के बाद ITBP के जवानों ने इनको इस कदर श्रद्धांजलि दी कि देखकर आपकी भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने 6 व 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया, क्योंकि लता मंगेशकर के निधन से देश भर में गम का माहौल है। आपको बता दो दोस्तों, 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया और आज रविवार शाम को 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई में उनके शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि या अंत्येष्टि दी जाएगी। PM नरेंद्र मोदी खुद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुंबई आ रहे हैं। वहीं लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने के लिए अभिनेता अनुपम खेर और लेखक जावेद अख्तर उनके घर पहुंच चुके हैं। गीतकार संतोष आनंद ने भी लता मंगेशकर को याद किया। धर्मेंद्र बोले कि सारी दुनिया दुखी है, ऐसा विश्वास नहीं होता कि आप हमें छोड़कर चली गई, हम आपको मिस करेंगे लता जी, प्रार्थना करता हूं कि आपकी आत्मा को शांति मिले। सलमान खान ने कहा कि आपकी याद आएगी स्वर्ग को किला, परंतु आपकी वाणी हमारे बीच सदा जीवित रहेगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में गायिका लता मंगेशकर के राजकीय अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को अभी पेडर रोड स्थित उनके निवास प्रभु कुंज लाया गया। महान गायिका का अंतिम संस्कार आज शिवाजी पार्क में होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। सचिन तेंदुलकर भी मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां लता जी का इलाज चल रहा था। तो आखिरकार दोस्तों, आज हमारे देश ने एक बहुत बड़े टैलेंट को, एक बहुत बड़ी हस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन ये बात तो सच है कि उनके गानों की आवाज हमारे दिलों में हमेशा उनका एहसास हमें याद दिलाती रहेगी। ईश्वर उन दिवंगत आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।